न्यूज डिवाइन आपके लिए लेकर आता है निरंकारी जगत की सूचना व समाचार, जिसमें आप देखेंगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा, सेल्वेशन टूर्स में निरंकारी मिशन की इंटरनेशनल खबरें, मिशन ओवरसीज में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे सामाजिक योगदानों की जानकारी, SNCF डायरी में, और साथ ही समाज के प्रतिष्ठित सज्जनों की विचारधारा से रूबरू होंगे एक खास मुलाकात में। देश विदेश के कोने कोने में हो रही निरंकारी जगत की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज डिवाइन। सदियों जिन्हें फिर ढूंढता रहता है ज़माना, ऐसे भी ज़माने में कुछ इंसान हुआ करते हैं। जी हाँ, और वो इंसान वक्त की दिशाएं बदल जाते हैं, समाज की राहें बदल जाते हैं, और ख़ुद सूरज की तरह जलकर संसार को रोशन कर जाते हैं। ऐसे ही मसीहा युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जिन्हें शत शत नमन करते हुए आइए न्यूज़ रिवाइंड के सफ़र की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ डिवाइन का अप्रैल महीने का ये एडिशन, जिसमें मार्च 2016 के होंगे सभी समाचार, और इन सबको लिए मैं हूं आपके साथ मुक्ता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेल्वेशन टूर्स ऑफ हिज होलीनेस, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। आइए वक्त के साथ मिलकर कदम बढ़ाएं और जीने का एक बेहतर संकल्प, बेहतर उद्देश्य लेकर मानवता के मसीहा बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बनाए पद चिन्हों पर चलते चले जाएं, जिन्होंने मानवता की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया और हमें जीवन जीने का ढंग सिखा दिया। आज यही परोपकार बिना थके बिना रुके लगातार करते जा रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। देश दुनिया के कोने कोने में जाकर कल्याण यात्राओं के माध्यम से मानवता का संदेशा दे रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। आइए देखते हैं मार्च के महीने में हुई कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। मार्च के महीने में भी मानवता के मसीहा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की मानव कल्याण यात्रा जारी रही और हुजूर बाबा जी ने देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर भक्तों को कृतार्थ किया। 2 मार्च को हुजूर बाबा जी का आगमन दिल्ली के नरेला में हुआ। यहां पर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से विशाल संख्या में भक्तजन सम्मिलित हुए। सत्संग कार्यक्रम में देर तक गीत, व्याख्यान और कविताओं का सिलसिला चलता रहा। अंत में हुजूर बाबा जी ने उपस्थित जन समूह को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। इसी प्रकार 6 मार्च को राजस्थान के भिवाड़ी में भी संगतों को दया सिंधु सदगुरु की पावन कृपा प्राप्त हुई। यहां पर भी सत्संग समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें देर तक भक्ति धारा प्रवाहित होती रही। अंत में हुजूर बाबा जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आत्मा क्यों भुगतान करती रहे जन्मों जन्म, कहीं पर इसको ठहराव मिले, कहीं पर भी इसका बंधन समाप्त हो, कहीं पर ये मोक्ष की पात्र बने, तो इसीलिए महापुरुष संत जन ये प्रेरणा दे रहे हैं, ये आवाज़ दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि हमने इस मालिक खालिक को जानना है, इस हरि को जानना है, ये लौ जगानी है, ये उजाला प्राप्त करना है। इसमें हर किसी ने ये इस तरफ कदम बढ़ाने हैं। तत्पश्चात सदगुरु बाबा जी 13 मार्च से 18 मार्च तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे, जिसमें 13 मार्च को यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित सत्संग में भक्तों को भरपूर रहमतें प्राप्त हुई। इसी प्रकार 15 मार्च को नजीबाबाद में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर खुले वाहन में जब हुजूर बाबा जी का आगमन हुआ तो दर्शन पाकर भक्तों के चेहरे खुशियों से खिल उठे। सत्संग समारोह में देर तक भक्ति भरे गीतों और व्याख्यानों की लड़ी सजी रही। अंत में हुजूर बाबा जी ने उपस्थित जन समूह को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। पार उतारा उन्हीं का हुआ, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, जिनको ये बोध हुआ, जिन्होंने ये सत्य को इसके असली रूप में जाना, उनकी ही दीवारें गिरी, उन्हीं की दूरियाँ मिटी, वही भाईचारे की भावना को मल से युक्त होकर
भाईचारे को बढ़ावा देने में लग गए। 16 मार्च को उत्तराखंड में हुजूर बाबा जी का आगमन हुआ। यहाँ के जसपुर में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न शहरों से भारी संख्या में संगतों का आगमन हुआ। यहाँ पर भरपूर रहमत बरसाकर हुजूर बाबा जी अपने अगले पड़ाव रुद्रपुर की ओर बढ़े। यहाँ पर जब दया सिंधु सदगुरु का आगमन हुआ तो भक्तों के हर्ष का पारावार न रहा। 17 मार्च को रुद्रपुर में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें देर तक आध्यात्मिकता की धारा बहती रही और भक्तजन आनंदित होते रहे। तत्पश्चात हुजूर बाबा जी का आगमन यूपी के गजरौला में हुआ। यहाँ पर भी सत्संग समारोह में भक्तों को भरपूर रहमतें प्राप्त हुई। इसके अलावा हुजूर बाबा जी रास्ते भर भिन्न भिन्न स्थानों पर रुककर भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। इसी प्रकार दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में 20 और 27 मार्च को सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास से भारी संख्या में संगतों का आगमन हुआ। भक्ति भरे गीत, प्रेरणा भरे व्याख्यान और चेतावनी भरी कविताओं में देर तक भक्त डूबते उतराते रहे। अंत में प्रवचनों के माध्यम से सद्गुरु बाबा जी ने अपार रहमत बरसाई। महापुरुष संत जन, भक्त जन संसार में इस कदर जीवन को अपने उन्होंने पेश किया, जिसमें यही पहलू उजागर होकर सामने आता है कि किस तरह से महापुरुष संत जन इस सच के साथ जुड़े रहे, इस सच का आधार लेकर इस संसार की यात्रा को तय करते चले गए, जिन्होंने इसी मालिक खालिक को ही प्रधानता जीवन में दी। एक तरफ संसार था, एक तरफ निरंकार था, और भले ही निरंकार ने ही संसार बनाया है, लेकिन निरंकार को ही विशेषता दी, इसी को ही प्रधानता दी। And now it's time to take a look at the various activities of the mission in different part of the world in the section Mission Overseas. The Sant Nirankare Mission participated in the United Nations annual conference for the fourth consecutive year as a part of the Women Empowerment Forum. This year, 6 delegates represented SNM as part of this 60th session on UN Women, taking place between the dates of March 14th to March 24th, 2016. On Monday, March 21st, SNM also organized a panel discussion on the topic Interfaith Role in Women Empowerment. Many representatives from the society, including a spiritual awareness author and a UN delegate working towards the betterment of women, were also present. Women as a group has a very important role in bringing and adapting the women's empowerment and gender equality. Interfaith women plays a significant role in civil society. We must include women and faith-based groups in secular intergovernmental process. If we can trust our families to women, why can't we entrust our societies to them? About 200 attendees participated in the event. The panel discussed their viewpoint on the interfaith role in women empowerment, and it was established that faith plays a key role in the development of not only women, but also society at large. Richard, the discussion that you did today was mainly the interfaith and focusing on women. Share your thoughts on that, how, you know, interfaith can really help bring about that awareness in women empowerment. Well, I think I'll address women first, because I've gone to many different spiritual groups and been doing this sort of spiritual work for 40 years. And the truth is, just as Hazrat Nai Khan, the person who was the founder of the order that I've studied with, said back in the 1920s, women are going to be our leaders into the future spiritually. When you go to various spiritual groups, you'll find a lot more women than you do men. And you'll find that the force behind even bringing some of those men there is the women. So women seem to be able to be in touch with their hearts a little bit more and be able to realize that something else needs to be added. Today was one of the milestones in our journey towards the United Nations collaboration with Sant Nirankare Mission. In this milestone, we accomplished a parallel event which was sponsored by Sant Nirankare Mission and approved by United Nations.
So it was a great success both ways in terms of collaboration and partnership with United Nations. We hope to accomplish a lot more as side events as it comes through. And with his blessings, Babaji's blessings, we hope to continue this exposure of the mission to the world to bring the humanity together. A women's conference was also held on 26th of March 2016 in Washington, D.C., which began with the message of Pujya Mataji. Saints, say with love, Dhanankarji. You are all gathered here today for a women's conference and talking about the need for spirituality in a woman's life. In today's time, a woman plays many roles in society. She is a mother, wife, student, professional, and many more roles. For all these roles, it's important for her to remember this Gyan, this God knowledge given to us by Babaji, and the human values that we learn from the mission. Only then we do the duties with sincerity and pass on this knowledge to the future generations as well. May Nankar bless everyone across the world to follow this path of truth and humanity and live enriched and blessed. On this beautiful Saturday morning, the DC chapter of Sandankari Mission has organized a women's conference. We've got a lot of speakers from different backgrounds, such as doctor, we have a author, a poet, we also have the Sheriff Kincaid from Fairfax County attending this conference today. Out in the community and to meet people and to share what it is that the Sheriff's Office does and how we work together as a team. And it's just been an honor and a privilege to serve the constituents, my constituents that are here, as well as to learn quite a bit. So it's been a very wonderful day, and this conference. You know, we're told that work done in the spirit of service and done to excellence is worship. So we get to worship if whatever we do it the best. And so throughout, even with your conference that's coming up in Toronto, you know, bringing everybody together, thinking of oneness. I mean, I think if anything the world needs is this. And I loved it that there were no boundaries. It didn't matter what religion you were, it didn't matter what race you were. Everybody was looking at everybody's soul. Sunday, 13th of March, marked the first National English Samagam of 2016 at the Center for Oneness in the West Midlands, Birmingham, Bhavan of the Mission, under the theme, Know Thy Selfie. The Samagam was a wonderful collection of hymns, speeches, and poems, as attendees were taken on a journey of self-awareness. 52 saints, many from the wider community, partook in the Gyan sessions through the remainder of the afternoon. On Saturday, March 19, 2016, the Sandankari Mission Toronto branch hosted the English Samagam. Saints of all ages participated individually and in groups by performing poems, songs, and motivational speeches. Human qualities were the topics that speakers chose to share with the Sangat: the importance of positivity, love, tolerance, respect, humility were emphasized. Our roots are all about compassion. Our root is all about love. Our root is all about acceptance. Our root is all about tolerance. And most importantly, our root is about forgiveness. Humanness is nothing more than this. To be a human, you have to have all these qualities. A volunteer of SNM, who also happens to be a dentist, participated in the Project Dental under the effort by Salvation Army Center, Fort Myers, Florida, on March 9, 2016. On Thursday, 10th of March 2016, the Center for Oneness in London organized a seminar on spirituality and healing. The assembly also shared the social initiatives of the mission and how the spiritual teachings of the mission can bring the world together. Those present included Dr. Brian Kelly, president of Life West, and Dr. Jimmy Nanda, along with Dr. Ron Arberstein. The South Africa branch of Sant Nirankari Mission organized a food drive in Johannesburg on 19th of March 2016. During the event, 850 free food hampers were distributed among the needy. The effort was appreciated by Consulate General of India, among others.
विश्व भर में प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए निरंकारी मिशन लगातार प्रयासरत है और इन्हीं प्रयासों में शामिल है विभिन्न सत्संग और समागम के कार्यक्रम। इसी लड़ी में विशेष आयोजन होने वाला है निस यानी कि निरंकारी इंटरनेशनल समागम, जो साल 2016 में आने वाले 29 और 30 जून और 1, 2 और 3 जुलाई को होगा। स्थान आप जानते हैं, कनाडा का टोरंटो शहर। जो जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर भक्ति का अभूतपूर्व आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं निरंकारी इंटरनेशनल समागम की हमारी वेबसाइट पर, जो है nis2.org। हमारे भारत में रहने वाले भाई बहन अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो indiahelpdesk@nis2.org पर अपने सवाल भेज सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-4766-0281। आप फ़ोन करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। वेलकम टू NIS न्यूज। दोस्तों, कुछ ही महीनों में हम NIS 2 की दिव्य यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में आयोजित होने वाला ये महाउत्सव अपने आप में एक अनूठा और अद्वितीय अनुभव होगा और आज से लेकर NIS 2 तक सभी गतिविधियों की जानकारी पाना अब बहुत आसान होगा। पेश है SNM मोबाइल ऐप, एक पॉकेट गाइड जो आपको NIS के एक सप्ताह तक चलने वाले इवेंट्स आदि की सूचना देती रहेगी। ऐप के मुख्य पेज पर एक सूची होगी जो NIS इवेंट्स की दैनिक जानकारी आपको देती रहेगी। जैसे जैसे नई जानकारियां उपलब्ध होंगी उन्हें इस ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसी ऐप में डिस्कवर टैब के माध्यम से आप यात्रा, रहने की व्यवस्था, सिटी टूर आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फीड टैब के माध्यम से आप सामाजिक व NIS संबंधित समाचारों, लाइव ब्रॉडकास्ट व सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि की जानकारी भी प्राप्त व शेयर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन टिकट्स आदि का निरीक्षण करना भी इस ऐप से सुलभ होगा। आज ही SNM मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइसेस पर उपलब्ध। हम आपको लिए चलते हैं निरंकारी मिशन की उन गतिविधियों की ओर, जहां संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा मार्च के महीने में भी अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य संपन्न किए गए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। SNCF की ओर से वर्ष भर चलने वाली गतिविधियों में मार्च के महीने में भी अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य किए गए। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान में 12 मार्च को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत का छठे चरण का सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में मिशन के सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की विधिवत रूप से सफाई की गई। दिल्ली के अलावा ये सफाई अभियान देश के लगभग 50 अन्य स्टेशनों पर भी चलाया गया, जिनमें अजमेर, आगरा कैंट, इलाहाबाद, बेंगलोर, बेगमपेट, चिपलून, देहरादून, कोची, एर्नाकुलम, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, सिकंदराबाद, सूरत, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, विद्यानगर, विशाखापट्टनम और मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशन मुख्य रहे। एक ओर जहां मिशन के सेवादार और SNCF के वॉलंटियर्स उत्साहपूर्वक स्टेशन परिसर की सफाई में जुटे थे, वहीं दूसरी ओर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। इस अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवेश शर्मा ने पहुंचकर निष्काम सेवा में जुटे निरंकारी भक्तों का हौसला बढ़ाया और सराहना भी की। आप सभी को धन निरंकार, और ऐसे कार्यक्रम में आने से मुझे ही बहुत एनर्जी मिलती है। बाबा जी का ये जो मिशन है, ये एक मिशन नहीं, अपने आप में पूरी सरकार है। जो काम सरकार नहीं कर सकती, वो काम आज पूरा मिशन कर रहा है। और आज ये जो स्टेशन हमने देखा, ये स्टेशन रेलवे स्टेशन नहीं लग रहा था, ये कोई एयरपोर्ट जितना क्लीन लग रहा था।
तो इसके लिए जितने भी मेरे भाई यहाँ पर, मेरी बहनें यहाँ पर जो सुबह 8 बजे से काम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अपना पुण्य का काम है और बाबा जी की कृपा से, बाबा जी की प्रेरणा से इस देश में जो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसको आप सभी यूथ की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि यूथ उसको आगे लेके जाए। ऐसे ऐसे बच्चे, हमारी बहनें खुद अब टॉयलेट साफ कर रहे थे टॉयलेट के आसपास का, और ऐसा नहीं केवल दिखाने के लिए, बिल्कुल कोने कोने से आपने सारी गंदगी को साफ किया। और हमें बाहर की गंदगी को भी साफ़ करना है, और बाबा जी जैसे कहते हैं मन की गंदगी को भी साफ़ करना है। मन की गंदगी साफ़ हो जाएगी तो फिर तो सभी कुछ साफ़ हो जाएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे मिशन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से जहां स्थान स्थान पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता रहा, वहीं स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत गत 2 अक्टूबर 2015 से प्रत्येक माह देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सफाई भी की जाती रही। निष्काम भाव से समाज सेवा में जुटे इन भक्तों के भाव भी बेहद सराहनीय थे। मेरी इच्छा है, जैसे ये सेवा देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने ना जगह जगह डस्टबिन है और अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं, और ये इसी तरह है ना सबको, एक को नहीं सब नागरिक को अपने घरों में बाहर की सब जगह सफाई करनी चाहिए। अब ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। रोज़मर्रा के जीवन में मुश्किल होता है समय निकालना, और ऐसे केस में जब पता चले कि कोई इतना कंसर्टेड एफर्ट करके इतना बड़े स्केल पे काम कर रहा है, तो मुझ जैसे इंसान के लिए आसान हो जाता है ऐसे किसी इनिशिएटिव के साथ जुड़ना। और मैंने भी आज रियलाइज़ किया कि ऐसे ही छोटा छोटा समय निकाल के आप सेवा के थ्रू देश सेवा भी कर सकते हैं। अगर आप सफाई कर नहीं सकते तो कृपया गंदा भी ना कीजिए, एक कदम आगे बढ़ाएं, अपने घर से स्टार्ट करें, आसपास से स्टार्ट करें। देखिए ये तो इनका बड़प्पन है, इंसान अपने घर में ना कर करके ये इनको एग्जांपल दे रहा है हमारे सब पब्लिक को भी, हमारे को भी सबको, कि ये काम जो कर रहे हैं इससे सब लोग मिल करके करें, ताकि हमें अपना काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। My name is Eva and I'm from Germany and it's really nice that you do all this and संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के इस अभियान को देश भर के विभिन्न समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों ने मुख्य समाचार के रूप में प्रस्तुत कर भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके अलावा 29 मार्च को SNCF के इस परोपकारपूर्ण कार्य के लिए वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से गुजरात के गवर्नर OP कोहली द्वारा मिशन को सम्मानित किया गया। मार्च के ही महीने में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से मुंबई में एक नेत्रदान संकल्प शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 500 लोगों ने मरणोपरांत नेत्रदान करने का संकल्प लिया। सामाजिक कार्यों की इसी लड़ी में 4 मार्च को SNCF की ओर से कश्मीरी शरणार्थियों को भोजन व वस्त्र प्रदान कर नर सेवा नारायण पूजा के वक्तव्य को सार्थक किया गया। समय समय पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों की लड़ी में 17 मार्च को उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें मिशन द्वारा हो रहे सामाजिक कार्यों को दर्शाया गया। हजारों लोगों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर लाभ उठाया। ब्लड डोनेशन की लड़ी में मार्च के महीने में भी देश के अनेक स्थानों पर SNCF की ओर से रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें निरंकारी भक्तों सहित अनेक लोगों ने रक्तदान किए। इसी प्रकार विदेशों में भी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए और रक्तदान का सिलसिला चलता रहा। सामाजिक कार्यों की लड़ी में 28 मार्च को बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन छत्र छाया में सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया, जिसमें 10 नवयुगल जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे और सदगुरु बाबा जी से भक्ति भरे सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आज बहुत खुशी का अवसर है इस सामूहिक शादियों के रूप में, जो आप सभी परिवार के या दोस्त मित्र या किसी और रूप में भी यहाँ उपस्थित हैं, तो एक सुंदर रूप सभी को देखने को मिल रहा है। जो केयरिंग एंड शेयरिंग वाले शब्द हैं, ये वाकई ही इसके अंतर्गत ही ये अपने आप को निभाते जाएंगे। परिवार बुज़ुर्गों का नाम रोशन करते रहेंगे
और मिशन साथ संगत का भी नाम रोशन करते चले जाएंगे। ऐसी तौफीक इनको दातार प्रदान करे। तो दास संत में अपनी तरफ से, समस्त साथ संगत की तरफ से इन परिवारों को लाख लाख मुबारकबाद देता है। It's time for a short break. जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ डिवाइन। In only a few short months, you're going to be embarking on a journey to the Nirankari International Samagam, a once-in-a-lifetime event hosted in the vibrant city of Toronto. In the days leading up to the festival, make every moment count by being up to speed on activities and events that you won't want to miss, all with the simplicity of glancing at your phone. Now introducing the SNM Events mobile app, a pocket guide to help navigate you through the week-long celebrations. You'll find the schedule on the homepage, showcasing the NIS happenings day by day. Push notifications will ensure you instantly receive updates and important information as they become available. The Discover tab provides you with access to all the big questions: where to stay, what to do, and how to get there. Feed instantly connects you with the most timely highlights, both news and social. Watch the live broadcast and share your experiences on Facebook, Instagram, and so much more. The registration process is easy, and you can access your tickets right on your phone. Install the SNM Events app today, available now on all iPhone and Android devices. न्यूज़ डिवाइन में अब वक्त हो चला है एक खास मुलाकात का। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मिस्टर रवि करकरे से, हु इज सीनियर एडवोकेट टू द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। वी आर इन कन्वर्सेशन विद रवि करकरा। वी जस्ट फिनिश्ड अ सेशन हियर विद यूएन वुमेन। वी आर द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स वेयर द मिशन जस्ट पार्टिसिपेटेड इन अ पैनल डिस्कशन। रवि, congratulations on the marvelous job you did today as the coordinator for today's panel discussion. Talk to us about you as United Nations. What do you see in San Nirankari Mission with initiatives such as the one that just happened today? Yeah, thank you very much. First of all, congratulations to the mission for organizing a very enlightening and very interesting session on role of faith-based organizations in women's empowerment. And I congratulate all the members out there, all of you, because you bring an important energy and spirit and commitment and a selfless dedication to the cause of humanity, particularly on gender equality. I think for us, as I said before, we are in a very important milestone in creating herstory in the world, which is a clear goal in the Sustainable Development Goals you see behind me, goal number 5, which is on gender equality. So really call upon the mission and all of you to really participate in the global mission of the UN and all the member states to attain a planet 50-50 by 2030. For the first time, we have a timeline that all women and girls can really achieve gender equality by 31st December 2030. My expectation of the mission really is also because you've been very important champions for us when we organized the March on Gender Equality last year. Your colleagues participated and contributed to the Youth Forum at the Commission on State of the Women, which was created for the first time. It's a great honor to be here. I look forward to also participating in Toronto and really, really look forward not just your participation, but your leadership as a pioneering and a very inclusive a network to really create that faith-based a movement on gender equality. And thank you so much for calling me. Thank you so much for all of your support. For Ek Khas Mulaqat, this is Preet Sahi reporting for News Divine. और अब समय है अन्य समाचारों का, आइए उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। मिशन के प्रचार विभाग की ओर से वर्ष भर जहां देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेक समागम आयोजित किए जाते हैं,
वहीं अनेक प्रकार की वर्कशॉप भी लगाई जाती हैं। इसी लड़ी में मार्च के महीने में 6 और 7 मार्च को जम्मू कश्मीर में, 10 और 11 मार्च को गुजरात के वडोदरा में और 13 और 14 मार्च को महाराष्ट्र के पुणे में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यूथ वर्कशॉप लगाई गयी, जिसमें युवाओं को मिशन की हिस्ट्री, आइडियोलॉजी और प्रचार प्रसार से संबंधित जानकारी दी गयी। इसके साथ ही अनेक धर्मों की मूल शिक्षाओं से भी इन युवाओं को अवगत कराया गया। इस वर्कशॉप में भरपूर संख्या में युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। 9 मार्च को निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल सोना कॉलेज में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की छत्र छाया में एक एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें कॉलेज के युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और विभिन्न प्रकार के खेलों आदि का प्रदर्शन किया। इस आयोजन में अलग अलग विधाओं के दक्ष छात्रों को सदगुरु बाबा जी के पावन कर कमलों के द्वारा पदक भेंट कर सम्मानित भी किया गया। सदगुरु बाबा जी ने उपस्थित गणमान्य सज्जनों व कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, स्पोर्ट्स का एक एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आज स्पोर्ट्स मीट के अवसर पर उस एक पहलू की तरफ सबका ध्यान जा रहा है, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है और आज जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, उसमें अक्सर हम आज के दौर में देख रहे हैं कि बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम करते जा रहे हैं या कंप्यूटर्स या मोबाइल्स की तरफ ही उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसलिए ये ऐसी मीट्स जब होती हैं तब हमारा ध्यान जाता है कि वाकई ये एस्पेक्ट बहुत अहमियत रखता है। जो मैनेजमेंट ने इस कॉलेज के रूप को निखारा है और साथ ही साथ फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं इनको और मौके मिले वेरियस फील्ड्स में प्रगति करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए और इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करने के लिए। 12 मार्च को संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें नर्सरी से केजी क्लास में सम्मान सहित प्रमोट किया गया। समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न प्रकार के प्रेरणादायक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावकों सहित स्कूल प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी उपस्थित थे। होली मिलन संगत। 24 मार्च को होली के अवसर पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता जी की छत्र छाया में निरंकारी स्कूल के प्रांगण में सत्संग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चों और युवाओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हजूर बाबा जी और पूज्य माता जी को रिझाने का प्रयास किया। हुजूर के चरणों में देर तक भक्ति के विभिन्न रंग गीतों के माध्यम से बरसते रहे। अंत में हुजूर बाबा जी ने उपस्थित भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। जो होली का त्यौहार, जो रंगों का त्यौहार, जो भक्त जानते हैं कि ये सारे रंग एक सफ़ेद रंग से ही निकले हैं और जैसे किरण होती है, रे होती है, तो उसमें प्रिज्म रख दें तभी हमें अलग अलग नज़र रंग आने शुरू हो जाते हैं, और उसको हटा दें फिर वही उसका अपना असली रूप वाला रंग। तो इस प्रकार से कोई पेंटर भी पेंट करता है तो उसमें भी कैनवस जो है वो यही कोशिश होती है कि बहुत सफ़ेद कैनवस हो, उसके ऊपर वो रंग चढ़ाता है, यानी कि एक सफ़ेद आधार बन जाता है। तो इसीलिए महापुरुष संत जन ऐसी ही सफ़ेदी अपने जीवन में चाहते हैं, ऐसी ही निर्मलता अपने जीवन में चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे निर्मल भाव हों, हमारे मन के ऊपर रंग हो, तो नाम का रंग हो, भक्ति का रंग हो। मिशन के प्रचार विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर वर्ष भर लगने वाली प्रदर्शनियों की लड़ी चलती रही। फरवरी और मार्च के महीने में यूपी में सहारनपुर और प्रतापगढ़, राजस्थान में अजमेर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में दरभंगा और इसके अलावा गोवा में ये प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से भरपूर संख्या में लोगों ने मिशन की आइडियोलॉजी से रूबरू होकर लाभ उठाया।
न्यूज डिवाइन के इस अंक में इतना ही। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपसे जिक्र किया था, अप्रैल का महीना बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बलिदान को समर्पित है, जिसे सारा निरंकारी परिवार मानव एकता दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाता है। इस दिन हजारों भक्त रक्तदान करके निस्वार्थ भावना से मानव कल्याण में योगदान देते हैं। अगले महीने निरंकारी जगत के अन्य समाचारों के साथ 24 अप्रैल के दिन विश्व भर में हुई निरंकारी गतिविधियों का ब्यौरा लेकर भी हम आपके पास फिर से लौट कर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत न्यूज डिवाइन की हमारी सारी टीम को। नमस्कार, धन निरंकार।